जी मित्रों, अभी हो चुके भाई शाम और अभी जा रहे अपने बाल वगैरह कटवाने ना मुंडावर अपनी धनों को लेके। और यार धनों ने यार आजकल भाई रोजाना गाली पड़वाने लगी यार मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब ना नज़र लग गई यार गाड़ी को भाई रोजाना, कभी कुछ ही गाड़ी ना कभी मेरे पास थी ना कभी खर्चा नहीं दिखाती थी यार। तो भाई ये सिस्टम इसका भी भाई पापा के पास जाने को खर्चा दिखा रही है, नाराज़ हो गई मुझसे या फिर इसको भाई लग गई नज़र, तो इसका भाई कुछ ना कुछ करना पड़ेगा सिस्टम, क्या करेंगे कुछ ना कुछ। तो इसका भाई बहुत रोजाना 500 रुपये 1000 रुपये रोजाना खर्चा होने लगे इसका। चलो बाकी अभी चलते हैं एक बार सैलून में बाल वगैरह कटवाएंगे, फिर आपको बताएंगे इसका क्या खर्चा आया है। हाँ जी मित्रों, अभी अपनी बाइक लेके पहुंच चुके हैं भाई कहाँ पे, महालक्ष्मी की शॉप पे, क्योंकि भाई बाइक का काम करवाना है, आपको पता है मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ बाइक का काम कराना। कटिंग वगैरह हमने करवा ली है, इसमें आप फ्यूज़ डलवाएंगे, फ्यूज़ लेंगे यहाँ से अंकल जी फ्यूज। मित्रों आज हो चुका है एक और दिन की शुरुआत, देख रहे हो आप कौन है शख्स, पहचान गए होंगे ब्लॉग में आते रहते हैं रोजाना, ये यहीं पे खड़ी रहती है, कुछ ना कुछ काम चलता रहता है इसका, ये करते रहते हैं काम है ना, इनको अब इंट्रोडक्शन ज़रूरत नहीं रहेगी। भाई ये अलॉय व्हील डलवाना यार बाइक में ना, बाइक में ताली रिम थी, अब मैंने ना भाई 500 सब्सक्राइबर बोला था, 500 सब्सक्राइबर होंगे तब अलॉय व्हील डलवाएंगे, और आज के दिन अपने सब्सक्राइबर हो चुके हैं, मतलब 3515 सब्सक्राइबर हो चुके हैं अपने, तो अब डलवा रहे इसमें अलॉय व्हील, कोई बात नहीं है कर दें इसका सिस्टम प्यारी से धनों का। और ये चलो बात कर रहे हैं अभी, तो ये अलॉय व्हील डलवाएंगे फिर मिलेंगे आपसे। जी मित्रों भाई दादाजी के सामने कैमरे के सामने कुछ बोल नहीं पाता हूँ, आपको पता है ना, लेकिन लाइन खोद के आ चुके हैं और अपने को आज भाई बहुत सारे काम, अपने बाइक भाई सुबह जो लो भी विलम डलवा के लेके आए थे ना, आगे देख लो कौन चल रहा है इसके, तो बात ही नहीं डाली है ना, अपने बाइक भाई लो भी व्हील डलवा के लेके आए थे आज अपन, उसमें भाई ब्रेक वगैरह का सिस्टम, एक तो ब्रेक चेंज करवाने उसके, एक उसमें अपना मीटर नहीं चल रहा है तो उसमें मीटर गिरारी वगैरह और वायर वगैरह आएंगी वो चेंज करवानी है, मतलब भाई पुराने में जो सिस्टम होता है ना वो होता है पलट वाला सिस्टम और न्यू में होता है लॉक वाला सिस्टम। अब आपको भाई समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन टेक्निकल बंदों को आ जाता है भाई समझ में। अब जैसे ये है इसमें भाई यहाँ पे ना ये लॉक है और उसमें होता था पलट वाला सिस्टम, तो इसमें चेंज करवाना पड़ेगा सारा। चलो चलते हैं बाइक लेके मुंडावर, वहाँ पहुँच के फिर मिलेंगे आपसे। ओ भैया जी ले लिया बॉक्स महालक्ष्मी से, कितने का पड़ा बता दूँ, 700-800 रुपये का सिस्टम है। लो जी मित्रों खुलनी हो चुकी है चालू, भाई कसम खुलू सही बताइए, बोर ना हो गाड़ी पर काम कर करता था। मैंने तो काम करने पैसे कमाना है। रोज खुलवा जाओ ना, वो ये है तेरो गाड़ी है तो वही जब कह रहा हूँ ये अपनी पुरानी वाली ड्रम प्लेट अपनी बाइक से ना, अब इसका सामान वगैरह निकाला जा रहा छोटा मोटा, जैसे ये होते हैं ये वाला सिस्टम, ये अब जो नई प्लेट है ना इसके अंदर देखो ये ऐसे आती है, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल साफ होती है ये, इसके अंदर सामान वगैरह डालने पड़ेंगे ना ब्रेक वगैरह के लिए। असले असले भाई कसम कर दिन यू कैमरे मारूंगा। अब एक और सामान लेने जाना पड़ रहा भाई समझ रहे हो, काम होता है एक लेकिन उसके पीछे जो हसल होती है ना वो होती है मेन चीज़। आजा नीरज बोर हो जाओ बैठो बैठो, हसल होती है ना भाई वो होती है मेन। चलो लेके चलते हैं अपनी धनों को और सामान वगैरह लेके आते हैं फिर मिलते हैं आपसे। लो जी मित्रों ले लिए अपनी गिराज जम लेने आए थे, और ये देखो मिस्त्री जी की बाइक लेके चलते हैं जिसे अपनी बाइक का काम करवाते हैं और फिर मिलेंगे आपसे। लो जी भाई फाइनली स्टार्ट हो चुका बाइक फिटिंग का काम, देखता क्या होता क्या नहीं होता।
अब बता दे, एक ऊपर छतरी लगवा दे छतरी ना यार, वो साइड में यू पंख निकलवा दे हैं गाइस, पंख निकलवा देते हैं दोनों साइड में, और नीचे वो जेट इंजन, और स्टार्ट करी हवा मुड़ाओ सीधा, सही रहोगा ना हैं सही रहोगा ना, फिर तो अपना आप करी देवा को चलो भाई वो भी सिस्टम करेंगे इसका, हवा उड़ाएंगे फिर इसको। तरु अभी खड़े हैं भाई खेत में, और अपनी बाइक देखो जिसका काम वगैरह मैं वहीं करवा लाया था, ये प्लेट वगैरह देखो बिल्कुल नई नहीं लगवा लाया था, टूटी हुई थी भाई उसकी पुरानी अलॉय व्हील की ना, ये मैंने चेंज करवा दी थी, और बाकी इसके अंदर ब्रेक वगैरह डलते हैं वो भी चेंज करवा दिए, ये वायर चेंज हुई ये वाली, और इसके अंदर जो गिरारी वगैरह होती है ये भी चेंज हुई है ना, और बाकी अभी हम आज के बाइक खेत में, हमारी लाइन टूटी हुई थी, और ये क्या है ये भाई पाइप चिपकाने का सिस्टम, पाइप चिपकाना पड़ेगा भाई, ये रहा दादा करने सही, और भाई मैंने उन्हें काट वगैरह दिए भाई, फोटो टुकड़ा पड़े देखो काट दिया उनको, अब मैंने भाई हाथ धो के एक बार व्लॉग बना लेता हूँ, तो ये अब जोड़ेंगे भाई वहाँ पे, भाई को कैमरा मैन नहीं है वरना आपको अच्छे से दिखा देता, मैं कई बार दिखाता हूँ आपको, देख लिए ना भाई अपने दोनों पाइप के जोड़, तो भाई इसमें ना अपने जैसे ब्लैक कलर के पाइप होते हैं उनमें तो गर्म वगैरह करके जब चिपकाना पड़ता है उनको, इसको गर्म नहीं करना पड़ता भाई, इसमें डायरेक्ट ये लगती है ये लगा के और चिपका दो है ना, बाकी इसको एक बार चिपका देते हैं फिर मिलते हैं आपसे। जी मित्रों देख रहे हो भाई कितना बिजी शेड्यूल है ना, लाइन पाइप लाइन जोड़ के आए और अब सीधा ट्रैक्टर के ऊपर, भाई खेत बहाने आए अपना, ये खेत वगैरह भाई बहाने जरूरी हैं, अब रात को भाई बहूँगा खेत फिर और खेत बहाने हैं, और भाई पाइप लाइन का यार कोई पक्का नहीं है ना, वो भाई उस पाइप लाइन का कोई पक्का नहीं है, वो मतलब अगर जुड़ी है नहीं जुड़ी है भाई, उस पाइप में थोड़ा हल्का आ गया, 4 kg का पाइप आ गया भाई, 10 kg का पाइप यूज़ करना था या फिर 6 kg का पाइप यूज़ करना था, चलो भाई देखते हैं बाकी क्या होता है क्या नहीं। चलो मैंने सोचा भाई कहीं तार नहीं अलझ गया वो पीछे, बाकी भाई ये रहा अपना खेत है ना, अब इसको भाएंगे भाई, रात हो जाएगा मेरे को इसी को बातें बातें, और रात तो भाई हो चुकी है, आपको रियल दिखाऊं, ये है भाई रियल, ये तो मोबाइल में दिख रहा है भाई थोड़ा थोड़ा ना साफ साफ, क्योंकि मोबाइल में तो बड़ा चिट्टा दिखाता ना वो सब हर एक चीज़। तो चलो भाई खेत बहा लेते हैं, करते हैं खेत बहाना स्टार्ट, फिर मिलते हैं आपसे मित्रों। तो भाई बहा दिया अपना सारा का सारा एक खेत, आप लाइट वगैरह में देख सकते हो सारा खेत भाई बहा दिया अपन ने, अंधेरा हो चुका है भाई, टाइम का तो पता नहीं भाई कितना हो गया, और खेत की हालत देखो भाई, मिट्टी मिट्टी में बुरा हाल, काफ़ी लोग बोलते रहे थे भाई पिंपल कैसे हो गए, ऐसे होते हैं भाई पिंपल, मुझे भाई मिट्टी वगैरह की एलर्जी, और एलर्जी के साथ इसके साथ ही आ रही है मेरी, और वो पक्की वाली है ना, दोनों चीज़ें अलग अलग हो गई, एक तरफ एलर्जी एक तरफ इसके साथ ही आ रही, तो गड़बड़ हो रखी है भाई, ये फेस पे पिंपल वगैरह का यही कारण है, हम कुछ नहीं कर सकते भाई, खेती का काम तो करना ही पड़ेगा ना। अभी यार छोटा मोटा इसमें बचा हुआ है, थोड़े गड्ढे वगैरह वो और क्लियर करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे।
भाई ट्रैक्टर टाइम रहता तो नॉर्मल ही है। और साइलेंसर आपने भाई अभी देख ली होगी भाई, अभी आपने आग भाई गर्मी भरी है ट्रैक्टर में, जैसे हमने गर्मी भरी है ना हमारी गर्मी इसके अंदर ट्रांसफर हो जाती है, आग भरी है भाई। याद होगा ट्रैक्टर ऐसे ही चलता है तो बिल्कुल याद होता है गर्मी भरी इसमें भाई, है ना। बाकी आप चलते भाई घर पे, और घर पे पहुँच के फिर मिलेंगे आपको।